तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बचे बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बचे बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेकदार पिली, और हमें करनी है शहनशाह वफा की रदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। उठ है गुम्बद के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठ है गुम्बद के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। अली को हुक्म दे वो लेकर आए जुल्फिकार अपनी। एक बार और मौका से पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत ही मशहूर मारूफ आईदी क़िमत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। बकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत रफाकत हासिल करो, किसी मर्द दरवेश का दामन थाम लो, किसी हक परस्त के कदम से लिपट जाओ, किसी मकबूले बारगाह के हाथ में हाथ देकर अपने खाने दिल को मनबर करो, ताकि तुम्हारे मन तकवा की हिफाजत हो जाए। इसलिए हम नमाजी को नमाज में दुआ मांगने की तलकीन की गई, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अय्यल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिस पर तूने एहसान किया, रास्ता उनका जिस पर तूने इनाम इकराम किया। आओ कुरान से पूछे, कुरान बकौर लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर हमें चलने की पांचवत तलकीन की गई, तो कुरान ने कहा अल्लज़ीना नमल्ला हुआ रजिमन नबीगीना वसिद्दीकीना वशोदाय वसालहीन। अल्लाह के नाम नबीगीन पर है, अल्लाह के नाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह के नाम शोदा पर है, अल्लाह के नाम सालहीन पर है, अल्लाह के नाम ताबीन पर है, अल्लाह के नाम तबी ताबीन पर है, अल्लाह के नाम गौसी आजम पर है, अल्लाह का इनाम खासी आजम पर है, अल्लाह का इनाम मुहदिसी आजम पर है, अल्लाह का इनाम मदारी आजम पर है, अल्लाह का इनाम मखदूमी आजम पर है, अल्लाह का इनाम मखदूमी माहिदी पर है, अल्लाह का इनाम मखदूमी कचौसी पर है, अल्लाह का इनाम सरकार गदाली शाह पर है, अल्लाह का इनाम बहराली शाह पर है, अल्लाह का इनाम रहमानी शाह पर है, अल्लाह का इनाम हजूर शेर नेपाल पर है। मोहब्बत से बोले, अल्लाह का इनाम हजूर शेर नेपाल पर है। मुसलमानों जिस पर अल्लाह का इनाम हो जाए उसे पसंद है, गोया सिद्दीक अकबर पसंद है, फारूकी आजम पसंद है, उस्मान गनी पसंद है, मौलादी पसंद है, हसन मुतबा पसंद है, हुसैन शहीद का बड़ा पसंद है। जो पसंद से मांगना अद्दाई से मांगना है, गौसी आजम से मांगना अद्दाई से मांगना है, खादा से मांगना अद्दाई से मांगना है, गदाली शाह से मांगना अद्दाई से मांगना है, हुजूर आला हज़रत से मांगना अद्दाई से मांगना है, हुजूर तादुशरजा से मांगना अद्दाई से मांगना है, हुजूर शेर नेपाल से मांगना अद्दाई से मांगना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिक़ीन सच्चों के साथ हो जाओ। आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग वलियों का दर्जा खुदा से बढ़ा देते हो। मैं तो रोजा गढ़ी के करीब में आया हूँ, सरकार गदाली शाह बहार अली शाह रहमान शाह के आस्ताने के करीब, इसलिए मैंने यह की मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, जरा इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, एक बार अपने दोनों हाथों के पेजा में लड़ा के बोले या रसूल अल्लाह। मुसलमानों आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग वलियों का दर्जा खुदा से बढ़ा देते हो, तुम लोग वलियों का दर्जा खुदा से बढ़ा देते हो। मुसलमानों जरा सोचो, ये वो कहता है जो अपने से दूर है। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग वलियों का दर्जा खुदा से बढ़ा देते हो, और मुसलमानों ये भी कहा जाता है जहां किसी मस्जिद के साथ किसी वली का रोजा हो वहां नमाज मकरूह होती है। मेरे मुस्तफा के दीवानों ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज आपने देखा होगा, गलियों में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, और कहीं नहीं तो आसाने पर देखा होगा, अगर किसी को जिन्नात पकड़ लेता है ना, आठ दस आदमी उसको थामे रहते हैं। अगर किसी को जिन्नात पकड़ लेता है, आठ दस आदमी उसको थामे रहते हैं, वो किसी के काबू में नहीं आता। हज़रत अल्लामा शमीम साहब की तरफ से मैंने कहा, हुज़ूर
मगर वो किसी के काम में नहीं आता। अल्लामा शमीम साहब ने फरमाया अब्दुल मुस्तफान जदी इसके अंदर जिन का साया चला गया। मैंने कहा क्या मतलब? आपने फरमाया बजाहिर आंखें इनकी है, देखना जिन का है, कान इनके है, सुनना जिन का है, हाथ इनके है, ताकत जिन की है, पाँव इनके है, चलना जिन का है, बजाहिर आंखें इनके है, मगर इनका पावर जिन की है। मुसलमानों मैं भी कहता हूँ जो चल फना फिर रसूल होकर फना फिर ताकि मंजिल में पहुंच जाता है। आंखें उनकी होती है, देखना खुदा का होता है, कान इनके होते हैं, सुनना खुदा का होता है, हाथ इनके होते हैं, ताकत खुदा की होती है, इशारा बली का होता है मगर काम खुदा का होता है। निगाह बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जोर जोके यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। एक बात और कह देता हूँ बोलते जी के साथ, मैच कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मजारे पे जाते हो कितना बड़ा जुल्म करते हो। ये भी कहा जा रहा है जहाँ किसी मस्जिद के साथ किसी वली का रोजा हुआ नमाज मकरूह होती है। अरे जालिम मुझे कहाँ कहाँ रोकोगे? बगदाद चले जाओ, मस्जिद के साथ रोजे बगदाद चले जाए, मस्जिद के साथ रोजे पाकर रोजा, अजमेर चले जाए, मस्जिद के साथ खाता एक पाक का रोजा, मरारा चले जाए, मस्जिद के साथ आले रसूल का रोजा, बरेली चले जाए, मस्जिद के साथ हुजूर आला हजरत का रोजा, कर्बला मोहल्ला चले जाए, मस्जिद के साथ मौला अली का रोजा, नब्यासर चले जाए, मस्जिद के साथ मौला अली का रोजा, कर्बला मोहल्ला चले जाए, मस्जिद के साथ हुसैन शहीद कर्बला का रोजा। अरे दुनिया को छोड़ो, मदीना तैयबा चले जाओ, मस्जिद के साथ रसूलुल्लाह का रोजा। तेरा मोहब्बत से बोले ऐसा है कि नहीं है? जाने वालों ने जरूर देखा होगा। मुसलमानों हम कहे बरकात लोगों में चले जाओ, मस्जिद के साथ तो दूसरे में भाल करो है कि नहीं? तेरा मोहब्बत से बोले हम कहे बरकात चले जाए, मस्जिद के साथ तो दूसरे में भाल करो, दुनिया को छोड़ो, मदीना तैयबा चले जाओ, वो मदीना जो अर्श अफजल है, सुभान अल्लाह, वो मदीना जो अर्श अफजल है, वो मदीना जो फर्श अफजल है, वो मदीना जो सारी कायनात से अफजल है। अल्लाह तआला का फरमाते हैं कायबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा शहीद, हम इसके बंदे हैं क्यों बात गवाही है, हम इसके बंदे हैं क्यों बात गवाही है। मुसलमानों हमें जब भी मुश्किल वक्त पेश पड़ा बुजुर्गों की मजारों पर जाना पड़ा, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुने, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमें जब भी मुश्किल वक्त पेश पड़ा बुजुर्गों के मजारों पर जाना पड़ा, छात्र चलानी पड़ी, हमें जब भी मुश्किल वक्त पेश आए फकीर ही काम आए, बली ही काम आए, दरवेश ही काम आए, न तो ताजमे है न लश्कर सिपाही है, जो बात मरदे कलंदर की बारगाह में है, सुभान अल्लाह, जो बात मरदे कलंदर की बारगाह में हो जाए, क्योंकि हमारे रास्ते बीच में उसमें हो जाए।